अरे वो खास क्यों रहा है? उसे कैंसर है भाई। कैंसर? अरे बुड़ू, तेरे को सचमुच कैंसर है? हाँ भैया है। मेरा बाप भी कैंसर से मर गया और उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सका। क्यों? उस वक्त मैं जेल में था ना। क्यों? झूठ बोलने वाले पांच मामू को अपन ने टपका दिया था। वो सब छोड़, अभी तेरे को क्या हेल्प मांगता है बोलना। तुम कितने अच्छे हो सोना भैया, एक्सरे निकालने के लिए 25 रुपए चाहिए। तुम झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ना? सच बोलता हूँ, 500 तो मेरे पास है, 2000 मिले तो काम हो जाएगा। तू अपन को सच बोला, अपन को बहुत अच्छा लगा। अरे इसने सच बोला, अरे सब लोग इसको मदद करो। आगे जो भी मदद चाहिए बोलना। तुम हम एक बार जाके चेकअप करवा लियो भैया। वो किस लिए? तुम्हारे पापा तो कैंसर से मर गवा रहा ना। ऐसा दाढ़ी वाला रोज एक मिल जाए तो बस हो गया। काम मांगो तो नहीं देगा, भूख लगी है खाना तो कहने से कोई कुछ नहीं देगा, लेकिन कैंसर का नाम सुनते ही पैसा दे दी बेवकूफ ने। लेकिन साला झूठ बोलने वाले को टपका देता है, यही तो टेंशन है। इसे अंदर करता हूँ तो टेंशन बाहर। एक्सरे के बिना गया तू पहलवान मार के भुर्ता बना देगा, क्या करें? ये इसमें कुछ नहीं, ही सही रहेगा। पब्लिक में दारू पीना कितना मुश्किल है। आइडिया, इसमें मिलाए के चढ़ाए लिया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये क्या ग्लूकोज यहीं पर चढ़ा रहे हो? कौन? हिला मत। हॉस्पिटल में बेड के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर ने ग्लूकोज चढ़ाने को कहा। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं खुद चढ़ा लूंगा। लेकिन ग्लूकोज तो नस से चढ़ाई जाती है, तुम तो मुंह पे चढ़ा रहे हो। स्टार्टिंग स्टेज में नस के जरिए चढ़ाते हैं, मेरा तो एडवांस है ना, इसलिए डायरेक्ट चढ़ाने को कहा। इस छोटी उम्र में तुम्हें क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ती है। एक्सरे ले लिया? हाँ खिंचवाया। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। अंदर कोनो पुर्जा हुई तब तो दिखाई दे। डॉक्टर ने क्या कहा? कहा कि दिन गिनना शुरू कर दे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा दया करके मुझे दिवाली तक की मोहलत दे दे। दिवाली तुम्हें इतना पसंद है? बहुत। उस दिन भोर भोर उठ के नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर आप जैसे लोगों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। फिर थोड़ा सा मिठाई खाने के बाद दो ही दो लक्ष्मी बम को टप टप फोड़ना चाहता हूँ। एक ही एक फुलझड़ी को जलाने के बाद बस उसी रात को या अगली सुबह को आप जैसे भले मानुस का चेहरा देख के। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इन सब चीजों का अभी इंतजाम करता हूँ, तुम यही रहना, यही रहना। ऐसे बेवकूफ भी होते हैं दुनिया में है? ए भाई क्या हाल है तुम्हारा? ओ तुम, कितने दिन हो गए तुमसे मिलके आए। खबर मिली थी कि घर में 10,000 रुपए हैं, जाके देखा तो बस 10 रुपए ही थे, और पकड़ा भी गया, अंदर चला गया था। अंदर खाना बहुत बढ़िया था। खाली बढ़िया होने से कुछ नहीं होता, भेजे में कुछ होना चाहिए। मुझे देखो कैंसर को कैसे मेंटेन कर रहा हूँ। यार एक घोंचू है, महामूरख, कैंसर के नाम से कुछ भी करेगा। अरे 6.5 फुट की हाइट है उसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक चाकू का निशान। झूठ बोलने वाले 5 लोगों को उसने कत्ल किया है। वो इतना पावरफुल है हा? लेकिन मेरे सामने बच्चों की तरह रोता है। अब बोल कितना पावरफुल हूँ मैं? मुझे कैंसर है कहके खू खांसा तो 2,000 रुपया मिल गए। मच्छर की बुद्धि वाला भाई। रुको भैया, वही खत्म नहीं हुआ, फिर कल आवा रहा। भैया मुझे दिवाली के लिए पटाखे मिठाई नए नए कपड़े चाहिए कहा, तब इन्हें लाने के लिए गया है। महामूरख है भैया वो, मालूम है। और का सुनो भैया, अभी नू वापस आएगा ना तो उससे हम कहेंगे भैया हमको ट्रिपल बेडरूम फ्लैट दिलवा दो, और कू 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 करेंगे ना तो वो भी दिला देगा। उसका तो भेजा नहीं है। अमिताभ बच्चन की हाइट का है, मुझे कैंसर सुनते ही बच्चों की तरह रोता है। और उसके साथ चार चमचे भी होते हैं, एक एक की ये हाइट है, करके रोते हैं। एक की भी अकल नहीं है, सबके सब गेंडे है भैया। मैंने उस देवता के बारे में कहा था ना, यही है। आप आगे देवता
चौदह वाले के लिए गलती हो गई हमसे। अरे इंस्पेक्टर, पास मर्डर करने वाला राजू नायक बोल रहा हूँ। अब सिटी सेंटर के पास छड़ा मर्डर करने वाला हूँ। क्यों रे, तो मेरा शक्ल देख के मरना चाहता था ना? ले पूरी कर, इसकी खबर तो हम लोग ले लेंगे। आप परेशान मत होइए। Nobody out there hear me.